नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 फीट बाई 40 फीट मतलब 2000 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का अब तक का काम और इससे बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को देखें, बहुत ज़्यादा आइडिया आप अपने बनने वाले घर के लिए ले सकते हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हो कि 2000 स्क्वायर फीट में घर को बनाया जा रहा है जिसका काम प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए आइए नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस घर का प्लिंथ लेवल का हाइट। तो इस घर का प्लिंथ लेवल का हाइट 5 फीट रखा गया है ग्राउंड लेवल से, और इस घर का जो फुटिंग का काम था उसका किया गया 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का गड्ढा खोदा गया, उसके बाद फिर 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग लगाया गया, फिर उसके बाद में हमारा कॉलम बर्न हुआ। आइए कॉलम के बारे में जानते हैं, क्या रेनफोर्समेंट इसमें यूज़ किया गया है और क्या इसका साइज रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 14 इंची बाई 9 इंची का कॉलम यहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है। उसके साथ साथ रेनफोर्समेंट का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो जो 4 सरिया है, 1, 2, 3, 4 जो हमारा मेन सरिया है उसे 16 mm का लगाया गया है, और जो सपोर्टिंग बार है उसे आप देख सकते हो कि 12 mm का सरिया के साथ यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है। मतलब 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का। रिंग का बात कर लिया जाए तो 8 mm का रिंग यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है जिसे 6 इंची सेंटर टू सेंटर में बांधा जा रहा है, आप देख सकते हो। आइए इसके साथ ही हम लोग इस घर में लगे हुए बीम के बारे में जान लेते हैं। ये जो प्लिंथ बीम लगा हुआ है इसका साइज का बात कर लिया जाए तो इसका साइज 9 इंची बाई 12 इंची का रखा गया और इसमें 6 सरिया का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। जो हमारा बॉटम में 3 सरिया लगा हुआ है पहले उसके बारे में जानेंगे। तो देखोगे 2 सरिया यहाँ पे 16 mm का लगाया गया है, 1 सरिया 12 mm का लगाया गया है, और जो टॉप में लगाया गया है यहाँ पे आप देखोगे तो 3 सरिया जो है उसे 12 mm के साथ उपयोग में लाया जा रहा है। मतलब 3 सरिया 12 mm का और 1 सरिया नीचे, मतलब 4 सरिया 12 mm का और 2 सरिया है वो 16 mm के साथ यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस तरीका का अगर आप कॉलम और बीम देते हो तो अपने घर को आसानी के साथ आप 3 से 4 तला तक ले जा सकते हो। बात कर लिया जाए कि इसमें अगर ग्राउंड बीम दिया जाता तो क्या होता, देखिए यहाँ पे एक और अगर चाहो तो आप ग्राउंड बीम दे सकते हो, क्योंकि जो फीलिंग है वो लगभग 5 फीट के आसपास में आपका आ रहा है। कभी भी 3 से 3.5 फीट से ज़्यादा अगर आपका ग्राउंड लेवल से ऊंचा चल जाता है आपका प्लिंथ बीम तो आपको एक ग्राउंड बीम भी प्रोवाइड कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। या तो फिर आप ये जो बीम है उसे नीचे कर सकते हो, जो प्लिंथ बीम है उसे ग्राउंड बीम दे सकते हो, और यहाँ पे डीपीसी करते हुए भी अपना काम को आप चला सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीका से अपने घर का मजबूती चाहिए और किस तरीका से आप काम करवाना चाहते हो, कितना आपका बजट है। ये तो दोस्तों हो गया इसका फिलिंग का बात कर लिए, चलिए मैं आपको ऊपर ले चलकर दिखाता हूँ कि और किस तरीका से इसका घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। इस घर का जो भी अभी बाहर का दीवार है उसे आप देख सकते हो कि 5 इंची के साथ यहाँ पे काम किया जाने वाला है। पहला रद्दा का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो कुछ दूर में यहाँ पे लगभग सील लेवल के आसपास तक का जो ब्रिक वर्क है वो किया गया है, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ इस घर का जो सीढ़ी है उसको बनाना भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि जो सीढ़ी का बेस है उसको इस तरीका से बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे बीम है, इधर से भी बीम है, और बीम के साथ यहाँ पे इसका कास्टिंग कर लिया गया है। और जो सरिया है वो सिर्फ यहाँ पे आप बेस देख रहे हो वहाँ से नहीं निकाला गया, बल्कि बीम से निकालते हुए फिर उसको मोड़ते हुए इस इधर से भी और उधर से भी इसका बेस बना लिया गया। बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि जो घर का सीढ़ी बनाते हैं हम लोग, बेस ठीक से नहीं बनाते, वो धंसने लगता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप बेस बनाते हो तो जो आपका बेस में दरार या फिर धंसने का समस्या आता है वो कभी भी आने वाला नहीं है। सरिया की बात कर लिया जाए तो देख सकते हो 10 mm और 12 mm का सरिया के साथ इस घर का सीढ़ी को बनाया जा रहा है। ये पहला हमारा फ्लाइट पार्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर लैंडिंग आ जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा फ्लाइट पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है। इसका फिलिंग का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो कि लगभग इसका फिलिंग का काम हो ही गया है। जैसे ही इसका स्टोक का काम है वो स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद थोड़ा और मिट्टी डालने के बाद इसे बैठाया जाएगा। कभी भी आप इसका फिलिंग का काम करो, देखिए मैं यहाँ से समझाने का कोशिश करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि अब तक कितना रुपये का खर्चा है वो आया है। देखिए इस तरीके से जब भी आप अपने घर का फिलिंग करते हो तो आपको एक लेयर में पूरा मिट्टी को नहीं भर देना है, आपको
लेयर दर लेयर भरना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 फीट का हमारा फिलिंग था, तो उसको 3 या फिर 4 बार में आपको फिलिंग करना चाहिए। 1 से 1.5 फीट का लेयर बनाइए, मिट्टी डालिए, फिर उसको बैठाइए, पानी डालिए, उसके बाद जब वो बैठ जाए फिर दूसरा लेयर डालिए, फिर तीसरा लेयर डालिए। इस तरीके से डालिएगा तो कभी भी जो हमारा फर्श धंसने का समस्या है वो नहीं आता है, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी अच्छे तरीके से अपना जगह वो ले चुका होता है मिट्टी, और जो भी अंदर का एयर होता है वो निकल चुका होता है। तो आपको लेयर वाइज अपने घर का जो फिलिंग है उसे करवाना चाहिए। तो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है। तो अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक कितना रुपए का खर्चा आया है। तो मैंने आपको अब तक का जो काम है उसे दिखा दिया है, और ये भी बता दिया कि 2000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। प्लिंथ लेवल तक का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। रेनफोर्समेंट से लेकर कॉलम बीम किस तरीके से ऊपर में फिलिंग किया गया है सारा जानकारी आप ले चुके हो। खर्च का बात किया जाए तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 6 लाख रुपए के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। आपने देखा कि जो भी इस घर का कॉलम और बीम है उसे हेवी साइज में बनाया जा रहा है, और 3 से 4 तला तक आसानी के साथ इस कॉलम और बीम के सहारे इस घर को ले जाया जा सकता है। तो 6 लाख के आसपास में इस घर को बनाने में अब तक खर्चा है वो आ चुका है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा और नक्शा भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।